पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शनिवार को गठबंधन लोकसभा प्रत्याशी योगेश वर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने बुलंदशहर पहुंची बसपा सुप्रीमो ने राजनीतिक पार्टियों पर जमकर हमला बोला। मायावती ने भाषण के शुरुआत में ही हमला बोलते हुए कहा कि भीड़ का जबरदस्त जोश देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नमो नमो वाले जा रहे हैं और जय भीम वाले आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने सीएम योगी के उनके अली पर भरोसा है तो हमें बजरंग बली पर भरोसा है वाले बयान पर पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं, ये दोनों हमारे अपने हैं, दोनों में कोई गैर नहीं है और बजरंग बली तो मुझे इसलिए ज़रूर चाहिए क्योंकि वो मेरे दलित जाति से जुड़े हैं और ये जानकारी भी हमें यूपी के सीएम योगी ने ही दी है। माया की सीएम पर चुटकी, इसके लिए मैं सीएम योगी का आभार व्यक्त करती हूँ। मायावती ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बसपा जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में बजरंग बली की जाति से जुड़े हमारे दलित वर्ग के लोग कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि अब हमें इनके साथ साथ यहाँ इस चुनाव में अन्य सभी वर्गों व सभी धर्मों का भी वोट मिल रहा है, जिनसे हमारी पार्टी धर्म व जाति के नाम पर कभी भी वोट नहीं मांगती है, बल्कि उनके विकास उत्थान के नाम पर ही केवल उनसे वोट मांगते।